हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली कोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल विदेश और दुनिया का क्या माहौल है। कोरोना वायरस और उसके नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। तो इसके अलावा इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन भी बना ली गई है और वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इसके साथ ही नए स्ट्रेन के लिए भी तैयारियों को लेकर सभी वैज्ञानिक तत्पर हैं और इसे लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इन सबके अलावा हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और साथ ही इससे जुड़ी कई सारी खबरी अपडेट्स हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर बाकी दूसरी चीजें हो जिनके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है, उनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन हम खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में टीका लगवाएंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। दुश्मन के 100 किलोमीटर दूर ठिकाने को पल भर में तबाह कर देगा हॉक आई विमान। HAL ने की टेस्टिंग। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस का बयान, कहा भारत के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत की तरफ से पाकिस्तान को भी भेजी जा सकती है कोरोना की वैक्सीन, रिपोर्ट। LPG सिलेंडर पेटीएम से बुक करने पर गैस सिलेंडर मिल सकता है फ्री, ऐसे उठाएं ऑफर का फायदा। लॉटरी नहीं बिकने से परेशान था शख्स, खुद किया स्क्रैच और बन गया 12 करोड़ का मालिक। सरकार आज जारी करेगी 125 रुपए का सिक्का, कैसा दिखेगा और क्या होगी वजह जानिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसी के साथ ही मैं आपसे ये भी कहूंगी, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी अपनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर से लाइक शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं। ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस सपोर्ट को यूं ही बरकरार रखिए और हम ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहेंगे। आप चलिए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,06,25,428 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,545 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को 18,002 लोग ठीक होकर घर लौटे। इस दौरान 163 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना से अब तक 1,02,83,708 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या गुरुवार को 20 लाख के पार हो गयी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य जनप्रतिनिधियों को टीका लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। देश में फिलहाल कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका लगाया जा रहा है, लेकिन 40% से ज्यादा लोगों ने टीके से दूरी बनाई है। आम लोगों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल है। इसी डर को दूर करने और लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अब PM समेत अन्य लोग वैक्सीन लगवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना की ताकत बढ़ने के साथ दुश्मनों की अब खैर नहीं। भारत ने स्वदेशी हॉक आई विमान से गुरुवार को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SO का सफल परीक्षण किया। रक्षा PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ओडिशा के तट से हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SO का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन रिसर्च सेंटर इमरत RCI द्वारा विकसित किया गया है। SO 100 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक, रनवे समेत किसी भी ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा विकसित इस हथियार का वजन 125 किलोग्राम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्हाइट हाउस ने कहा कि कमला हैरिस के अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बाइडेन प्रशासन में भारत अमेरिका संबंध पर एक सवाल के जवाब में साकी ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन कई बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। वो भारत और अमेरिका में नेताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे सफल द्विदलीय संबंध का सम्मान करते हैं, उनका महत्व समझते हैं। बाइडेन प्रशासन इसे आगे बढ़ाने की दिशा में आशान्वित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना वायरस को मात देने के लिए भारत की तरफ से पड़ोसी देशों को लगातार मदद की जा रही है। अब तक भारत की तरफ से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव को कोरोना की वैक्सीन के लाखों डोज भेजे जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी भारत की तरफ से वैक्सीन की डोज दे जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने पड़ोसी और करीबी देशों को कोरोना की वैक्सीन भेज रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी मानवता के नाम पर पड़ोसी देशों को कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान भी वैक्सीन मांगता है तो भारत उसे वैक्सीन देने में कोई गुरेज नहीं करेगा। बता दें कि पाकिस्तान ने अब तक 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन 125 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा। 23 जनवरी को आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। सरकार इसी मौके पर इस सिक्के को जारी करेगी। हालांकि इसके पहले भी 125 रुपए का सिक्का जारी हो चुका है। सिक्के के पिछले हिस्से में नेताजी का चित्र होगा। इसके ठीक ऊपर हिंदी में लिखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती वर्षन। नीचे जारी करने का साल 2021 अंकित होगा। दोस्तों अभी खबरें खत्म नहीं हुई हैं, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप तक चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो लगातार पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। अब चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम कंज्यूमर की मुश्किलें और बढ़ती दिखी है। आज दिल्ली में पेट्रोल 85.45 और डीजल 75.63, मुंबई में पेट्रोल 92.04 और डीजल 82.40, कोलकाता में पेट्रोल 86.87 और डीजल 79.23, चेन्नई में पेट्रोल 88.07 और डीजल 80.90 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 575 रुपए चढ़ा सोना, 1227 रुपए उछले चांदी के भाव। जी हाँ, दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी में तेजी रही। सोने का भाव 575 बढ़कर 49,125 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं गुरुवार को चांदी 1229 रुपए चढ़कर 66,699 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। बुधवार को चांदी 65,472 प्रति किलोग्राम थी और सोने का भाव 48,550 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही केरल के एक व्यक्ति के साथ हुआ। फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक कहानी 46 साल के एक व्यक्ति की है जो रातों रात करोड़पति बन गया। दरअसल शराफुद्दीन ए नाम के एक शख्स की कुछ लॉटरी टिकट्स नहीं बिक सकी जिसे उन्होंने अपने पास रखा। उनमें से एक टिकट ने उन्हें केरल सरकार के क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर लॉटरी पुरस्कार में 12 करोड़ रुपए जीतने का मौका दिया। इस लॉटरी से शराफुद्दीन की किस्मत रातों रात बदल गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग पेटीएम का सहारा ले रहे हैं। पेटीएम ने रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर से शानदार ऑफर पेश किया है। अगर आप पेटीएम के इस ऑफर का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम से कम एक गैस सिलेंडर के पैसे बचा सकते हैं, यानी आपको फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकता है। इस ऑफर का फायदा सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो पहली बार पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। ऑफर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम डाउनलोड करना होगा। अगर आप पेटीएम से अपने एलपीजी गैस सिलेंडर को बुक करते हैं तो आपको भारी कैशबैक मिलेगा। इसके बाद आपको 700 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयरटेल ने लॉन्च किए 2 धांसू रिचार्ज प्लान, सिर्फ 78 रुपए में 5GB डेटा के साथ अनलिमिटेड म्यूजिक का मजा। जी हां, एयरटेल ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 2 नए एयरटेल डाटा एड ऑन पैक लॉन्च किए हैं जो कि 78 रुपए और 248 रुपए के हैं। एयरटेल के इन दोनों रिचार्ज प्लान में कस्टमर को जबरदस्त डेटा के साथ विंक प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। एयरटेल के 78 रुपए के प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 5GB हाई स्पीड डेटा विंक प्रीमियम का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, वहीं 248 रुपए वाले प्लान में 25GB डेटा मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।